और बात करते हैं राजगढ़ जिले की, जहां पर पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के बोगड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार तड़के सुबह गुलखेड़ी गांव में दबिश देकर 14 दुकानों का ढा दिया है और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जबकि कई लोग मौके से फरार हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार गुलखेड़ी में अवैध शराब के कारोबार के फलने फूलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर SP के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम ने गांव में दबिश देते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्डोजर की मदद से अवैध शराब के ठिकानों को ढहाने का काम भी किया है और देखते ही देखते दुकानों इमारत में निस्तार नाबूद कर दी गई है। कुल 14 दुकानों को तोड़ा गया है।